दोस्तों आज आपको सारण जिले की उन जानकारियों को बताने वाला हूं जिसे आप बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाइए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सारण बिहार स्थित एक प्रमंडल व जिला है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय छपरा है। गंगा, गंडक व घाघरा नदी से घिरा हुआ यह जिला भारत के प्राचीनतम मानव बसाओं केंद्रों में से एक है। संपूर्ण जिला का क्षेत्र समतल एवं उपजाऊ क्षेत्र है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में स्थित यह जिला सोनपुर मेला, चिरान पुरातत्व स्थल व राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। चिरान छपरा से 11 किलोमीटर दूर स्थित सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। बाबर के समय सारण मुगल शासक का हिस्सा हो गया था। अकबर के शासनकाल पर लिखे गए आयनाए अकबरी में इसका उल्लेख है। बक्सर युद्ध में विजय के बाद 1765 में अंग्रेजों को यहाँ का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। 1829 में जब पटना को प्रमंडल बनाया गया तब सारण व चंपारण को एक जिला बनाकर साथ रखा गया, लेकिन 1866 ईस्वी में चंपारण को जिला बनाकर सारण से अलग कर दिया गया। 1908 ईस्वी में तिरहुत प्रमंडल बनने पर सारण को इसके साथ कर इसके अंतर्गत गोपालगंज, सिवान तथा सारण अनुमंडल बनाए गए। स्वतंत्रता पश्चात 1981 ईस्वी में सारण को प्रमंडल का दर्जा देकर तीनों अनुमंडलों को जिला बना दिया गया। स्वतंत्रता के लड़ाई में यहाँ के मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान सेनानियों ने बिहार का नाम रोशन किया। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए देश में आपातकाल के विरुद्ध यहाँ के जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण देश में जनक्रांति की लहर पैदा कर सत्ता परिवर्तित किया। सारण जिले की कुल आबादी 39,43,098 है और यह जिला 2,641 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले में कुल तीन अनुमंडल छपरा सदर, सोनपुर व मढ़ौरा है। इसके अलावा इस जिले में पंचायतों की संख्या 338 व गांव की संख्या 1,767 है। शहरों की संख्या 5 है जिसमें नगर पंचायत 4 और नगर परिषद 1 है। धान, मक्का व आलू इस जिले के मुख्य फसल है। जिले में वन क्षेत्र 9 के बराबर है। निजी ज़मीनों पर आम, शीशम, इमली जैसे लकड़ियाँ के पेड़ हैं जो जिले के 8,270 हेक्टेयर में लगी हुई है। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।